मैम आपकी आवाज भी नहीं आ रही और फोटो भी नहीं आ रही। देखो बेटा आ रही होगी। यस मैम आ गई। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम निशा शर्मा फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। टुडे यूनिट इज, आपने जो यूनिट थी वो कौन सी थी, 10 की थी कि 11 की थी, बताओ जल्दी सी। टेन की थी ना बेटा, टाइम। मैम ये नोटबुक में लिखना है क्या? अब अपनी एक्सरसाइज है 10.5। मैम ये नोटबुक में लिखना है क्या? अब इसमें बेटा आप लोग जो कैलेंडर है उसमें राइटिंग जो डेट है वो कैसे राइट करेंगे वो बताया। अब पेज नंबर 119, पेज नंबर 119 ओपन करो बेटा। ऑल स्टूडेंट मैम, गुनगुन आपको नोटबुक में लिखना है बेटा। ओके मैम। डेट को किस में लिखना है आपको, नंबरल में लिखना है। ठीक है मैम, ये नोटबुक में लिखना है क्या? बेटा जिनके पास बुक है वो बुक में लिखेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे लिखा है February सब लिखा है 10 and 2017। अब इसको डेट में कैसे लिखोगे, नंबरल में तो कैसे लिखोगे, आगे लिख दो उसके बुक के अंदर ही आप लोग 10, 2 and 2017। ठीक है, बी का देखो बेटा यहां पे लिख रही हूं, मई लिखा है देखो 18 and 2017 लिखा है, उसके आगे लिख दो आप लोग 18 मई लिखा है, इसका मतलब मई कौन सा मंथ होता है, फिफ्थ मंथ होता है। मैम आप इसकी पिक्चर्स भेजोगे क्या? ये बुक में फिल करते जाओ। सी में मैम आप इसकी पिक भेजोगे क्या? नो बेटा, AUGUST अगस्त है, उसमें 20 लिख रखा है और उसके बाद 2017। आप कैसे लिखोगे 20 और अगस्त है वो कौन सा मंथ हो गया, 8 वाला मंथ हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 8 और फिर क्या आएगा 2017। दिसंबर, दिसंबर कौन सा मंथ होता है, लास्ट मंथ होता है इन ईयर, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 24 और यहाँ पे 12 मंथ होता है ये और यहाँ पे 2017। चलो लिखो, ये बुक में फिल करनी है आपको। सितंबर 23 आगे 2017 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सितंबर है वो कौन सा मंथ हो गया, 10 नंबर पे आ गया, तो 23 उसके बाद में यहाँ पे 10 और फिर क्या लिखेंगे हम 2017। अब है राइट द फॉलोइंग डेट यूज द नेम्स ऑफ मंथ। अब जो नीचे सेकंड का क्वेश्चन है उसमें आपको मंथ लिखना है। ठीक है,
टू वाले क्वेश्चन में दिखो, देखो इसमें क्या लिख रखा है, 0503 मैम प्लीज साइड, हाँ 2017 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब जैसे 3 मंथ है तो 3 का मतलब यहाँ पे कौन सा मंथ आ गया अपना, जनवरी फरवरी एंड मार्च, मार्च कौन सा होता है, थर्ड मंथ होता है, तो यहाँ आ जाएगा अपना MARCH, मार्च है, उसके बाद डेट कितनी है अपनी 5, डेट कितनी आ रही है अपनी 5, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 5 और फिर है 2017। सेकंड क्वेश्चन में बेटा ये ए का है, ठीक है, अब बी का देखो, यहाँ पे यानी 16 है, उसके बाद में 02, फिर 2015, ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड मंथ आ रहा है, तो सेकंड मंथ का मतलब कौन सा आएगा, सेकंड मंथ कौन सा होता है, फरवरी, हाँ फरवरी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फरवरी। और यहाँ पे डेट कितनी आ गई अपनी 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 फिर कॉमा फिर 2015। ट्वेंटी फिर 11 फिर 2014, ठीक है, अब 11 मंथ कौन सा होता है, 11 नंबर पे कौन सा मंथ आएगा, इलेवन पे कौन सा मंथ है बेटा, नंबर नवंबर, डेट कितनी अपनी 20, ईयर कौन सा है 2014। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून बेटा, पेज नंबर 190 ओपन करो नाजिस। यस मैम। सेकंड का क्वेश्चन चल रहा है इसमें 11 फिर 1 उसके बाद में 2016, ठीक है, अब 1 मंथ कौन सा आएगा अपना, जनवरी, उसके बाद में डेट कितनी है अपनी 11 और 2016। ई में लास्ट में देखो 8, 3 एंड 2017, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड मंथ कौन सा हो गया, मार्च, मार्च, उसके बाद में डेट अपनी 8 और ईयर कौन सा हो गया 2017। बुक में फिल करो बेटा इनको। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, कि गिव योर आंसर इन द फॉर्म डेट मंथ एंड ईयर फॉर एग्जांपल, आपको डेट मंथ और ईयर बताने हैं, यानी अब जो मंथ है बेटा, अब जो इस ईयर का जो जो कैलेंडर है 2022 का, वो कैलेंडर आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करना है। द फर्स्ट मंडे इन जनवरी, जनवरी में जो फर्स्ट मंडे है वो कौन सी डेट को आया वो बताना है आपको। कौन सी डेट, द फर्स्ट मंडे इन द जनवरी, जनवरी का फर्स्ट मंडे कौन सा है, कौन सी डेट को आया बेटा, आप लोग कैलेंडर अपने पास में रखो, ये फिल किया आप लोगों ने, तो फर्स्ट, अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिख रखा है, द फर्स्ट
मंडे इन जनवरी में जो फर्स्ट मंडे है वो कौन सी डेट को आया था? तो कौन सी डेट को आया था अपना? थ्री है ना, डेट कितनी थी? थ्री थी ना, और यहाँ पे 2022 फिल करो। मैम प्लीज साइन। अब सेकंड में क्वेश्चन पूछा है द लास्ट संडे इन मई। अब आपको इसी ईयर का क्या देखना है? मई के अंदर जो लास्ट संडे है वो कौन सी डेट को आएगा? तो वो आएगा बेटा 29 डेट को। ठीक है, फिल कर लो इसमें। द सेकेंड फ्राइडे इन अगस्त, अगस्त में जो सेकेंड फ्राइडे है वो कौन सी डेट को आएगा वो बताना है आपको। द सेकेंड फ्राइडे यानी 12 डेट को आएगा सेकेंड। ठीक है, आप फिल करते रहिए इसमें। तो सेकंड फ्राइडे उसने पूछा है तो डेट आएगी अपनी 12, उसके बाद में 12। मैम आपकी फोटो नहीं आ रही। हाँ देखो बेटा, इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई बेटा, देखो एक बार ना। मुझे तो आ रही है आपके फोटोस। हाँ, अब कितना आ गया? 2022। अब फोर क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? द फर्स्ट वेनेसडे इन सितंबर, सितंबर में जो फर्स्ट वेनेसडे है वो कौन सी डेट को आएगा? देखो फर्स्ट वेनेसडे यानी वो आएगा अपने 7। यस बेटा, माइक बार बार ऑन कर रही है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो? द सेकंड संडे इन दिसंबर, दिसंबर में जो सेकंड संडे है वो कौन सी डेट को आएगा? तो वो आएगा बेटा 11 को। ठीक है, लास्ट वाले में लिखो आप लोग। ठीक है, फिल कर लो ये अपना थर्ड क्वेश्चन। अब अपना क्वेश्चन नंबर है 4 का, ये फिल किए बेटा आपने? आ रहा हो? हाउ लॉन्ग डज टेक द क्रॉस आउट इन द इनकरेक्ट वन फोर टूथ ए ग्रो? जो अपने जो दांत है वो ग्रो करते हैं, अगर आपके जैसे किसी के दांत टूट जाते हैं फिर वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, तो डेज में आएंगे या मंथ में आएंगे? डेज। डेज में नहीं आएंगे बेटा, वो मंथ में आएंगे। अगर आपके दांत टूट गए हैं है ना, मिल्क टूथ है वो टूट गए हैं, तो वो किस में आएंगे? डेज में कैसे आ जाएंगे? उसमें मंथ तो लगेंगे ना। तो इसमें अपना क्या आ जाएगा? जो मंथ है एक जगह डेज लिखा हुआ है और एक में क्या है? मंथ है। तो आपको किस पे राइट करना है? मंथ पे राइट करना है। ठीक है, फिर है समर टू चेंज टू विंटर। समर टू चेंज विंटर, समर से विंटर में जब चेंज होता है तब डेज लगेंगे या मंथ लगेंगे? मंथ। यस बेटा, तो यहाँ पे भी किस पे आपको करना है? मंथ पे। फॉर ए प्लांट टू बिकम ए ट्री, एक जो प्लांट है ये क्या है? प्लांट है ना, वो अगर ट्री बनेगा तो हमें डेज लगेंगे या ईयर लग जाएंगे? ईयर लगेंगे बेटा। डेज में एक प्लांट है वो ट्री नहीं बनेगा, उसके लिए क्या लगेंगे? ईयर, यानी कई सालों के अंदर वो प्लांट है वो ट्री में
कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में डी में देखो, ए बिल्ड ए हाउस, अगर एक घर बना रहे हैं हम, है ना, एक घर बनता है, अगर हाउस बनता है तो उसमें वीक लगेंगे या मंथ्स लगेंगे? वीक कैसे, एक सप्ताह में या एक दो, 2 वीक में अपना हाउस बन जाएगा बेटा? उसके लिए कम से कम तो 5 या 6 मंथ तो लगेंगे ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना मंथ। ए ग्रो हेयर, आपके हेयर है वो ग्रो करते हैं, डेज में करेंगे या मंथ में करेंगे? मैम मंथ, तो मंथ, ठीक है, टिक करो बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको अपने बुक में फिल करना है ना। राइट द डेट्स ऑफ द प्रेजेंट मंथ एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। आपका जो प्रेजेंट ईयर है, जो प्रेजेंट मंथ है, अब अपना मंथ कौन सा चल रहा है प्रेजेंट में, कौन सा मंथ चल रहा है बेटा? जनवरी। हाँ जी, तो कौन सा चल रहा है? जनवरी। ठीक है, अब उसी मंथ के हमें सारे जितने भी है वो लिखने हैं। तो ऊपर जैसे लिख रखा है आपके फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रखा है, यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है, और यहाँ पे ईयर। तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, कौन सा मंथ चल रहा है अपना प्रेजेंट में अभी, तो जनवरी। तो यहाँ क्या लिखोगे, जनवरी, ठीक है। और ईयर कौन सा है अपना, 2022, फिल करो अपनी बुक में। अभी पूछा है द फर्स्ट मंडे ऑन द मंथ इज ऑन द डेट, इस मंथ का जो फर्स्ट मंडे है वो कौन सी डेट को आया था? तो फर्स्ट मंडे कौन सा था बेटा, 3 डेट को आया था, ठीक है। अब यहां फिल करोगे आप 20, फिर है देर संडे इन द मंथ, इस जो मंथ है उसमें टोटल जो संडे हैं वो कितने हैं, टोटल जो संडे हैं वो कितने हैं? बेटा जो कैलेंडर है वो अपने पास में रखो आप, तो टोटल संडे कितने आ रहे इस मंथ के, टोटल संडे आ रहे हैं अपने बेटा 5, कितने आ रहे हैं 5। आप लोग कैलेंडर में काउंट करके देखो कि टोटल संडे कितने हैं जनवरी के इस मंथ में, तो कितने हैं 5। द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फेल्स ऑन, इस मंथ का जो फर्स्ट डे था यानी 1 डेट को कौन सा डे था वो बताना है, कौन सा था, सैटरडे। हाँ, सैटरडे, तो यहाँ क्या लिखोगे, सैटरडे। ठीक है, अब द डेट ऑन द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ, थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ को कौन सी डेट आई है बताओ, देखो 15, वेरी गुड, तो यहाँ क्या आ जाएगी 15। इफ टुडे इज द 10th, व्हाट डे विल बी टुमारो, अगर आज 10th, आज क्या है, आज कौन सी डेट है बताओ, टुडे डेट कौन सी बेटा, 24, तो उसने क्या, टुमारो, व्हाट डे, 25, हाँ तो 25, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 25। If today is Wednesday, the 12th, use the shortcut to find the date next Wednesday. Do to not use a calendar. अगर 12th है तो अगली में क्या जाएगा? Last वाले में अपना 19 आ जाएगा, ठीक है ना? 19। आप लोगों ने किया बेटा?
यस मैम यस मैम अब अपना क्वेश्चन नंबर राइट यस मैम हाँ अब इसमें आपको क्या करना है विच ईयर इज इट नाउ कि कौन सा ईयर चल रहा है तो कौन सा चल रहा है अपना 2022 ज्वाइन स्कूल आपने स्कूल कब ज्वाइन किया यानी आपका जो एडमिशन है वो कब हुआ तो वो आपको इसमें राइट करना है फिर है सी वाले में विच ईयर वीर बॉन्ड आपका जो जन्म है वो कब हुआ वो इसमें लिखना है सी वाले में हाउ ओल्ड वर यू इन 2008 में आपकी जो एज है वो कितनी हो गई यानी आप कितने साल के हो गए ठीक है फिर है हाउ ओल्ड विल यू बी इन 2017 और 2017 को आपकी जो एज है वो क्या होगी वो यहाँ पे आपको लिखनी है ठीक है आया समझ में बेटा आप लोगों को ये जितना भी बेटा ये आपको अपनी बुक में रखना है नोटबुक में नहीं करना है ठीक है मैम ये हमें कैसे करना है अब अपना सम अप करेंगे इस एक्सरसाइज का लिखा आप लोगों ने यस मैम यस मैम तो अब अपना सम अप में फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में इज द थर्ड मंथ आपकी फोटो नहीं आ रही थर्ड मंथ कौन सा होगा मार्च ठीक है इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर ईयर का लास्ट मंथ आराध्या लास्ट मंथ दिसंबर दिसंबर तो यहाँ क्या जाएगा सेकंड वाले में दिसंबर अक्टूबर हैज डेज अक्टूबर में कितने डेज होते हैं हाउ मेनी 31 हाँ तो थर्ड वाले में क्या जाएगा 31 डेज ए लीप ईयर एक लीप वर्ष में जो डेज होते हैं वो टोटल डेज कितने होते हैं लीप वर्ष में 366 एवरी फोर्थ ईयर इज कॉल्ड एवरी फोर्थ ईयर हर चौथा जो वर्ष होता है ईयर होता है वो क्या कहलाता है तो वो क्या कहलाएगा अपना लीप ईयर ईयर ये ब्लैंक पूरे करो बेटा सम अप में कंप्लीट कर लो मैम हो गए हाँ अब है कैलकुलेटर इन द फॉलोइंग आपको कैलकुलेशन करना है यानी मिनट इन सिक्स आवर में आपको मिनट बताने हैं यानी आपको आवर में जो मिनट है उसको किसमें जो आवर है उनको किसमें कन्वर्ट करना है मिनट में आवर को किसमें कन्वर्ट करना है मिनट में अब ऑल स्टूडेंट अपनी जो रफ नोटबुक है वो ओपन करेंगे बेटा फर्स्ट वाले में उसने कितने मिनट बताए अपने मिनट में कन्वर्ट करना है आवर कितने अपने पास में 6 आवर्स है तो 1 आवर में कितने मिनट बताए थे मैंने 300 1 आवर में मिनट कितने थे 60 मिनट थे कितने मिनट थे अपने 60 तो हमें कन्वर्ट कितने का करना है 6 का करना है तो यहाँ हम लिखेंगे 6 आवर्स उसके बाद में 6 × 60 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0 उसके बाद 6 की टेबल कितनी बार रीड करेंगे 6 बार 6 6 जा कितने हो गए अपने 36 तो कन्वर्ट किया जो कितने आ गए 360 मिनट कितने आवर्स में आया अपना 60 आवर में कितने आवर में आ गया 60 आवर 6 आवर में आ गया ना अब बी में देखो यानी आवर कितने अपने पास में आवर इन डेज अब आपको जो डेज में कन्वर्ट करना है ठीक है
ये वाले बेटा बाद में करेंगे, पहले सी का और ई का करेंगे, बी और डी और एफ ये आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। अब यहाँ पे अपना 7 आवर, आवर कितना है 7, तो 1 आवर में कितने मिनट हो गए अपने 60 मिनट हो गए, उसके बाद में 7 आवर, तो यहाँ पे 7 × 60, तो अब कितने हो गए, ये 0 आ गया और 6 की टेबल 7 बार, तो यहाँ पे आ गया 42 मिनट, यानी 420 मिनट, 420 मिनट। अब अपना ई में 8 मिनट का बताना है, 8 आवर, तो 1 आवर 60 मिनट, तो 8 × 8 hours, 8 × 60, तो 0 × 0 और यहाँ क्या आएगा 48 मिनट, तो कितने हो गए 480 मिनट। क्लास कितने बजे तक लिखा आप लोगों ने? यस मैम। आवर्स इन 5 डेज, 5 डेज में कितने आवर्स होंगे ये बताने हैं। वन डे में कितने ओवर होते हैं बेटा? ये लिखा। अब अपना इसमें 3 एक जैसे हो गए। अब इधर वाला देखो, बी वाला, आवर्स इन 5 डेज। अब पूछ रहा है कि 5 डेज में कितने आवर होंगे, तो 1 डे में कितने आवर है बेटा, 1 डे में कितने आवर होते हैं, एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में कितने आवर होंगे जल्दी बताओ। 24 बेटा, 24 आवर, ठीक है, 24 आवर्स होते हैं, तो हमें कितने डे का बताना है, 5 डेज का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 24 से, ठीक है। अगर आपको ऐसे मल्टीपल नहीं आया तो आप लोग इसको ऐसे रफ कॉपी में लिखोगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ आ गया 20 और यहाँ आ गया अपना 2, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, ठीक है। तो 5 डेज में कितने आवर हो जाएंगे अपने, 120 आवर्स। अब डी में पूछा उसने, कितने आवर्स पूछा है, इन 7 डेज। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, 1 डे का, यानी 1 डे में कितने आवर होते हैं, तो एक दिन के अंदर कितने आवर हो गए अपने 24 आवर्स, ठीक है। अब हमें कितने डेज का बताना है, 7 डेज का, तो क्या करेंगे, 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। यहाँ पे बेटा आवर है उसमें मिनट पूछे गए हैं, और यहाँ पर डेज में कितने आवर पूछे गए हैं, ठीक है। अपने हो गए यहाँ पे 24 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 28 का फिर 8 आ गया और ये कैरी हो गई अपनी 2, फिर 7 बन जा 7, 7 टू जा 14, 14 में 2 ऐड करो कितने हो गए अपने 16, यानी कितने आवर हो गए अपने 168 आवर्स, किसमें, यानी 7 डेज के अंदर कितने आवर हो गए अपने 168।
अब इसमें ये लास्ट का क्वेश्चन है, इसमें यानी 9 डेज का पूछा उसने, कितने डेज का? 9। इन 9 डेज। अब 1 डे का बताना, पहले सबसे पहले 1 डेज का लिखो, यानी हमारा 24 आवर्स। नाइन डेज, 9 × 24, तो 9 को 24 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ पे आप लोग लिखो, यानी 9 × 4 = 36 का 6 आ गया, 3 कैरी, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, और 18 में 3 को ऐड करो, 18, 3 को ऐड करो बेटा, कितने आएंगे? 21, वेरी गुड, 21। तो टोटल आवर कितने हो गए बेटा? 216 आवर्स। कितने डेज के अंदर? 9 डेज में। कितने में? 9 डेज। आया समझ में ऑल स्टूडेंट को? अब इसके जो यस मैम, यस मैम, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।